चन्नी को छुट्टी नहीं है? नहीं, जी वैसे ही ठीक है कहने जी, तो सोलह कल मैं छब्बीस फ्री डे के अंदर से आने लगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला टाइप के अंदर दो चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको मैंने डिस्कशन की थी, फंक्शन लाइब्रेरी एंड फार्मूला एडिटिंग। ठीक है जी मुबीन, अब मैं नेक्स्ट चाहता हूँ जी, फंक्शन लाइब्रेरी। यू नो दैट आपका जो एक्सेल के अंदर है लाइब्रेरी ऑफ सेवरल हंड्रेड फंक्शंस ऑन फार्मूला टाइप अंदर, ठीक है, दैट विल लेट परफॉर्म अ नंबर ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज द सम फंक्शन, आप एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एवरेज एवरेज लेने के लिए, इस तरह आप पीएमटी फंक्शन टू फिगर आउट द पेमेंट ऑन अ लोन एंड सो ऑन। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन मैंने उस दिन दो चार एग्जांपल आपको कोट की थी मैंने, मिनिमम मैक्सिमम सीलिंग फ्लोर, ठीक है। और ये देखें जी फंक्शन लाइब्रेरी, तो आपको मैंने टैब दिखाई थी जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी, उसमें फाइनेंशियल फंक्शन थे, डेट एंड टाइम है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, स्टैटिस्टिकल लुकअप एंड रेफरेंस, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, क्यूब एंड कंपैटिबिलिटी। ये इस तरह की फंक्शन लाइब्रेरी में आपको चीजें मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो फाइनेंशियल फंक्शन है, ये देखें वो जो बार आपको नजर आ रही थी ना, ये वाली फंक्शन लाइब्रेरी जो आप एक्सेल के अंदर मौजूद है, जब आप फार्मूला टैब पे क्लिक करते हैं इस टैब पे, ठीक है, तो आपको ये जो है ये नजर आ रही है लाइब्रेरी, इसमें फाइनेंशियल एंड डेट कैलकुलेटर्स, इंटरेस्ट रेट्स, लोन पेमेंट्स, डेप्रिसिएशन अमाउंट्स, फाइनेंशियल जो आपने स्टेटमेंट अगर तैयार करनी है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का काम करना है, तो इस फाइनेंशियल फंक्शंस के जरिए आप परफॉर्म करेंगे। डेट एंड टाइम फंक्शंस आपके पास जो आपके करंट आवर डेट डेज ऑफ वीक एंड डेट टाइम को डील करते हैं, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यू नो दैट बेटर देन मी, कैलकुलेट्स लॉगरिथमिक, कोसाइंस, कोटेंजेंट्स, टेंजेंट्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज और दीगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसको हम डील करते हैं इसके जरिए। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आपके एवरेज, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है, लुकअप एंड रेफरेंस क्या है, सर्चेस फॉर द एंड रिटर्न द वैल्यूज फ्रॉम रेंज, अगर आपने इनमें से सर्च करना है रेंज बता के, हाइपरलिंक्स से कुछ चीज निकालनी है आपको, लुकअप आप इस्तेमाल करेंगे। तो ज्यादातर आपके मेन तो यह है डेट एंड टाइम, मैथमेटिकल और फाइनेंशियल फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए आपको डेटाबेस आपके एक्सेल डेटाबेस आपने टेबल क्रिएट करने हो, टेक्स्ट आपके कन्वर्ट, टेक्स्ट को अपर एंड लोअर केस, टेक्स्ट फ्रॉम राइट और लेफ्ट, स्ट्रिंग क्या होती है, डबल कोट्स में जो आप चीज दिखते हैं ना, मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग कहलाती है, और स्ट्रिंग को आपने जोड़ना हो तो हम कहते हैं कंकैटिनेट करना, ठीक है। तो लॉजिकल क्या होता है, फंक्शन जो आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं अगेंस्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या कोई कंडीशन है, अगर कोई कंडीशन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोई चीज उससे बड़ी हो जाए तो वैल्यू ट्रू आ जाए, छोटी हो जाए तो फॉल्स आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इन्फॉर्मेशन आपको विंडोज के बारे में बताएगी जो आपके करंट विंडो आपके एक्टिव है उस सेल या ऑब्जेक्ट के बारे में उस एनवायरनमेंट में। इंजीनियरिंग फंक्शन में आपके एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपकी सेपरेट टूल लाइब्रेरी होती है, उसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि छेड़ने की जरूरत नहीं है, कंपेटेबिलिटी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए जस्ट कि अवेलेबिलिटी है हमारे पास डेट एंड टाइम के अंदर भी। ये देखें जी पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन, ईच फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इसको हम लिखने का तरीका होता है, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स, व्हिच मस्ट बी फॉलोड इन द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन टू वर्क। जिस तरह मैंने कल आपको लिखना बताया था कि इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन का नेम होता है, फॉर एग्जांपल सम मैंने लिखा था, और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर ये देखें ये चीजें दी गई हैं, ये चीज जो मैंने इज इक्वल टू सम फंक्शन का नेम उसके अंदर जो दी गई है ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और ये कॉलन साइन ये रेंज को शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल रेंज क्या B3 से लेकर B12, ये क्या है ये सेल नेम है, लेट से B3 सेल से लेकर B12 सेल तक हमारे पास सम कैलकुलेट कर दो, तो इसको मैंने बताया अभी ये इक्वल साइन फंक्शन नेम एंड दिस वन इज योर आर्ग्यूमेंट, जो चीज आप फंक्शन के अंदर देते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है। वर्किंग विद आर्ग्यूमेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर क्या होता है आर्ग्यूमेंट होते हैं, कॉलम्स में होता है रेंज और रेफरेंस होता है, ये चीज मैंने पहले आपसे दी उसकी, कॉमास अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल वैल्यूज को आपको सेपरेट करना है, लेट्स से मैं कहता हूं C6 से पहले C14 तक, फिर और इसके बाद और के लिए इस्तेमाल होता है कॉमा, C19 से लेकर C20 से तक और इसके बाद C22 इसको भी लो, यानी कि एंड के लिए आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। दैट विल काउंट ऑल द सेल्स इन द थ्री आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द पैरेंथेसिस,
So these are all your arguments that you will give into the parenthesis. जी ये सारा कुछ मैं आपको फॉर्म करके दिखा चुका हूँ, इसको आप नजर नजर देख लीजिएगा, ठीक है? इधर आप गौर से देख लें, equal to sign, then function name, right? इसको मैंने कैसे फॉर्म करके दिखाया था। अब इसका परफॉर्म करने का फायदा ये हुआ कि आप इसको इजीली पढ़ लेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। हम काम क्योंकि हम इस पर काम कर चुके हैं, ठीक है? फार्मूला एडिटिंग की तरफ आता हूँ। आपने वर्कशीट को एग्जामिन करना है एरर्स के लिए। आपने एक वर्कशीट बनाई, आपने फंक्शन डिफरेंट इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, जो आपको जरूरत थी। आपने सम एवरेज निकाले, आपने या फाइनेंशियल कैलकुलेशन की। अब आपने उसके अंदर एरर को चेक करना है। तो इस द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वर्कशीट फॉर एरर्स इन फार्मूला इज रेफर्ड टू एज फार्मूला एडिटिंग। इस स्टेप को भी मैंने आपको बताया, ठीक है, फार्मूला ऑडिटिंग, ठीक है जी। एक मिनट, ये मैं पार्टनर्स को मैं वेटिंग लिस्ट में ले लूं। एक मिनट जी प्लीज। Students, just a minute, please. जी स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट नाउ प्लीज। जी आई अगेन रिपीट, फॉर्मूला एडिटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ वर्कशीट फॉर एरर्स इन फार्मूलाज। आपने लगाए थे, यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट। अब आप क्या करना है, आपने इस पे छोड़ना है, इसका सहारा लेना है टू टेस्ट योर एरर्स, ठीक है? ये फार्मूला एडिटिंग है जी। क्या क्या चीजें हैं? टेस्ट प्रेसिडेंट, ट्रेस प्रेसिडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, दिस इज योर ट्रेस प्रेसिडेंट। ये क्या चीज होती है? You, for example, you have to pay $96 to show arrows that indicate which cells are used to calculate this value. आप इन steps को execute करेंगे। आपने select करना है cell को, let's say cell C13 है इसका नाम, ये देखना जरा आपको screen पे, ठीक है? एक sheet आपके सामने बनी हुई है, $96 से हमें आपको बता रहा था cost per person निकाली। ये that is, what is the name? Know that intersection of row and column, that is your particular cell. C13 के अंदर आपने सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है? ऑन द फार्मूला टैब इन द फार्मूला एडिटिंग ग्रुप क्लिक ट्रेस प्रेसिडेंट्स। आपने किस पे क्लिक करना है, ये देखें, ये वाला दिस थिंग, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करना है। रिजल्ट इसका क्या होगा, रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं। एज द टोटल कॉस्ट एंड ग्रुप साइज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर्सन, टोटल कॉस्ट एंड ग्रुप साइज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर पर्सन, ठीक है? तो ये आपको, ये सजेशन आपको शो कर देगा। टू रिमूव दिस एरो एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेप्स। आपने इस एरो को रिमूव करना है। नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द एरोस, टू रिमूव द एरोस। जी अब क्या करेंगे, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ये देखिए जी, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑन द फार्मूला टैब इन द फार्मूला एडिटिंग ग्रुप क्लिक रिमूव एरोस। इस तरह ट्रेस प्रेसिडेंट्स था ये वाला, इस तरह आपके पास रिमूव एरर्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसको क्लिक करें। इसके बाद आप C12 वही सेल, इसको सेलेक्ट करें, ये वाला,
on the formula tab in the formula editing group, click trace presidents. Results are as expected because the person depends on the group size. तो ये आपको रिमूव कर देगा और ये इस तरह का शो कर देगा आपको, ठीक है? By default, Excel shows the result of formulas. By default होता क्या है? जब आप trace presidents इस्तेमाल करते हैं, Excel आपको शो करता है फार्मूला का रिजल्ट. To show the formulas instead of their results, आप इसके लिए ये फार्मूला, इसके लिए ये स्टेप्स आप इस्तेमाल करेंगे. On the formula tab in the formula editing group, click show formula. ठीक है, जिस सेल के अगेंस्ट आपने वो फार्मूला अप्लाई किया था, वो फार्मूला था आपका राउंड अप C10 डिवाइडेड बाय C12. ठीक है, ये फार्मूला आपने जो भी फार्मूला लगाया था उसका रिजल्ट आपको शो कर देगा. हाउएवर, ये देखिए रिजल्ट आ गया आपके सामने, ये रहा, ये फार्मूला आपने लगाया था. ठीक है, मैंने किसका इस्तेमाल किया? फार्मूला एडिटिंग के अंदर इस शो फार्मूला ऑप्शन का इस्तेमाल किया. You can find this key above the tab key. Tab key से above का आपको मिल सकती है, ठीक है? Control plus. सर जी, show formula से तो बस block, show formula से blocks बड़े हो रहे. बड़े होने, आप double click करो ना, उसको expand करोगे ना, फिर वो आपको show करेगा. वो blocks बड़े होने से बात है, आपने formula लगाया ही नहीं है. Formula लगाया होता, जब enter करते हैं उसके बाद वो जो आपकी जो value है ना, calculated value दिखाता ना, बाद में formula तो नहीं ना show करता. आपने फार्मूला शो करना हो कि मैंने प्रीवियस में फार्मूला क्या लगाया था, तो उस पर्टिकुलर सेल पे जिस वहां पे वैल्यू आ रही है, जब आपने फार्मूला लगाया था, उस पर्टिकुलर सेल पे जाके आप क्लिक करो और फार्मूला एडिटिंग के अंदर शो फार्मूला क्लिक कर दो, देन वो आपको फार्मूला शो कराएगा. आपने फार्मूला लगाया है नहीं है तो उसने कहां से शो करना है? यस, इसको जेन रखिएगा. तो चेक फॉर कॉमन एरर्स दैट अकर इन द फार्मूलास एग्जीक्यूट द फॉर्मूला. फार्मूला एरर के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने फार्मूला जो है एरर निकालने के लिए स्टार्ट करने एंड द वैल्यू 0 है टू द सेल C12. फॉर एग्जांपल आपने C12 सेल है, उसमें 0 वैल्यू लगाई. ये देखें, ये चीज, ये वाला, दिस वन. ऑन द फार्मूला टैब, फार्मूला टैब के अंदर फार्मूला एडिटिंग ग्रुप, ये वाला फार्मूला एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो पूरा ग्रुप है ना, ये बना हुआ है ग्रुप, क्लिक एरर चेकिंग. इस पर एरर क्लिक करना है. रिजल्ट क्या होगा? एक्सेल फाइंड्स एन एरर इन सेल C13. C13 के अंदर बता देगा आपको, फॉर्मूला ट्राइज टू डिवाइड अ नंबर बाय 0. ये देखें, ये बता रहा है, कहते हैं ये फार्मूला तुमने लगाया ना, आपने ये C10 C12 से डिवाइड कर रहे हो आप, लेकिन इसके साथ 0 भी आपने लगाया हुआ है. गलती से आपसे 0 प्रेस हो गया, जबकि आप C10 को सिर्फ C12 से डिवाइड करना चाह रहे थे, आपने 0 नहीं लगाना था. ये आपको बता देगा क्या आएगा, एन एरर इन सेल C13, द फार्मूला ट्राइज टू डिवाइड अ नंबर बाय 0. ये देखें, ये आपको नेक्स्ट सेल में बताएगा. To debug formula, आपने formula को debug भी करना है. By evaluating each part of the formula individually. Individually आपने इसको treat करना है. और करना कैसे, इसके लिए step है. उसी cells C13 को select किया आपने जहाँ पे उसने आपका रन बनाया. On the formula tab, in the formula editing group, इसके अंदर evaluate formula पे क्लिक करो. ठीक है, क्लिक evaluate 4 times. 4 दफा इसको क्लिक करो, आपको ये रिजल्ट शो करेगा. 4 रिजल्ट शो करेगा आपके सामने, 4 डायलॉग बॉक्स सामने आएंगे, तो 4 दफा क्लिक करेंगे. ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये देखें इसका रिजल्ट ही साथ में आप देखें. ये चीज फर्स्ट टाइम राउंड अप कहते हैं, ये मेरे पास आ रहा है, मैं इसको ये क्या क्या अंडरलाइन कर दिया. सेकंड में इसको अंडरलाइन उसने किया हुआ, थर्ड में इसको अंडरलाइन किया इवैल्यूएट करने के बाद, ठीक है, और फोर्थ में इसको अंडरलाइन किया एवलुएट करने के बाद. कहता है जब आपने इसको से डिवाइड किया ना, ये वैल्यू मौजूद थी, ये वाली इसको डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया, और साथ में आपने उसने कहा कि ये 0 भी आ, साथ में इवैल्यूएशन के लिए 0 भी आ गया. ठीक है, क्योंकि डीबगिंग कर दी ना आपने, उसने इसको ट्रीट कर दिया कि रादर देन दैट ये 0, ये मैंने इसको वैसे ही ट्रीट कर दिया, जबकि आपके पास नेट रिजल्ट ये आ रहा है 95.125, ये आपने 0 लगाया हुआ था साथ में. ठीक है, जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो आप इसको आपको बता देगा. जी, थैंक यू वेरी मच. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपको, जो मैंने थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई थी फार्मूला एडिटिंग के हवाले से, जो फार्मूला टैब ग्रुप में वो आपने सारा काम किया हुआ है. ये फार्मूला एडिटिंग का आपको आइडिया नहीं था, उसको कैसे थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा हम डीपली इस्तेमाल नहीं करते ना, किसी टीचर ने बताया होगा, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जितने भी वर्ड सॉरी एक्सेल के नए वर्जन आए हैं, मैक्सो जो है ऑफिस के हवाले से, तो इसमें
आपको जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जी मैं आपको जो है तो मेरा ख्याल कि उसको पावर पॉइंट को नेक्स्ट में देख लें या अभी स्टार्ट करें, बताएं जी क्या करना चाहिए। नेक्स्ट में सर, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में कर लें। चलो ठीक है, क्योंकि पावर पॉइंट इतना लंबा कोई चौड़ा नहीं है, तो उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ठीक हो गया जनाब, तो मैं ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और ये लेक्चर जो है ना मैं आपको कंपाइल करके भेज देता हूँ, क्योंकि जो कुछ ऐसे हज़रात होंगे जिनको आने में देर हो गई होगी, तो ये उनके लिए भी वैल्यूएबल है, वो लेक्चर वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन लेट किया होगा। ठीक है, चलिए मैं सेशन को स्टॉप करता हूँ। ओके सर, उसको मैं कंपाइल करके ना आपके ग्रुप में ये भेज रहा हूँ ये लेक्चर। ठीक है, ताकि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ले लें। ठीक है जी, हरज किसी का ना हो। यस सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, स्टे होम एंड स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।